नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आपातकाल सबसे अंधकारमय समय में से एक, कहा नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारत के सबसे अंधकारमय समय में से एक करार देते हुए भारतीय लोकतंत्र को कुचलने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि सत्ता की लालसा के कारण 40 साल पहले देश को जंजीरों में जकड़ दिया गया था और जेल में तब्दील कर दिया गया था। मोदी ने ट्वीट किया कि भारत के सबसे अंधकारमय समय में से एक, आपातकाल के 40 साल पूरे हो रहे हैं जब तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने लोकतंत्र को कुचल दिया था। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में काम कर रही सूझबूझ की सरकार ने एक तरह से देश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है। यौन उत्पीड़न मामले में आर के पचौरी से पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने टेरी के पूर्व निदेशक आर के पचौरी से बुधवार को उस कथित यौन उत्पीड़न शिकायत के मामले में पूछताछ की जो कि एक महिला अनुसंधान विश्लेषक ने उनके खिलाफ दर्ज कराई है। सूत्रों ने बताया कि 74 वर्षीय पचौरी से यहां उनके गोल्फ लिंक आवास पर पुलिस की 3 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की। टीम ने उनसे करीब 50 प्रश्न पूछे जो कि उन पर अनुसंधानकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित थे। जांचकर्ताओं ने पचौरी के मोबाइल और लैपटॉप को पहले फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है जो उन्होंने पुलिस को सौंपे थे क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि वे हैकिंग से पीड़ित हैं और उनके कंप्यूटर संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर। आम आदमी पार्टी के नेता कवि कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ नोएडा पुलिस में एक अखबार के संपादक ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खबर छापने के बाद संपादक को अनजाने नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे थे। दूसरी ओर कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने किसी को कोई फोन नहीं किया है। एमएफ धोनी तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा एक दिवसीय मैच जीतने के बावजूद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जबकि यह तय करना जरूरी है कि टीम को तेज गेंदबाज चाहिए या अच्छे गेंदबाज। भारत ने पहले दो मैच गंवाने के बाद बुधवार को तीसरा मैच 77 रन से जीता। उन्होंने कहा कि हम तेज गेंदबाजों का बहुत अधिक पक्ष लेते आ रहे हैं जो कि अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।